एक्सटेंशन है वो डीआई पे बेस्ड है, ठीक है। डीआई आप लोग को ये सीट पहले ही मिल चुका है, हम लोग का डीआई जो है बार ग्राफ और पाई चार्ट पे मिक्स्ड है, मिक्स्ड ग्राफ जिसको बोल सकते हो तुम लोग, और इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ बेहतरीन सवाल को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा पाई चार्ट है वो परसेंटेज के टर्म्स में नहीं है, वो डिग्री के टर्म है, ठीक है। तो डिग्री पे इजिली सवाल को कैसे हैंडल करना है इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसा कि तुम लोग को ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद तुम्हें ये बोर्ड पे दिख रहा होगा कि उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है और लिख रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान से समझना और क्या करना है, कैसे क्या करना है देखना है, ठीक है। बोल रहा है इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन ब्रांच पी, ठीक है, बॉयज़ का रेशियो टू द इन ब्रांच क्यू, बॉयज़ का रेशियो ब्रांच पी का ब्रांच क्यू के साथ जो है वो दिए हुए तुम्हारा 15:7, ठीक है। फिर बोल रहा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल फाइव ब्रांचेस ऑफ कॉलेज टुगेदर। सबसे पहले ग्राफ को समझो, मैंने ग्राफ को वहाँ पे इंडिकेट करना भूल गया। देखो ग्राफ में क्या है कि पाई चार्ट जो है वो तुम्हें दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फाइव डिफरेंट ब्रांचेस, पांच डिफरेंट ब्रांचेस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को ये बता रहा है। मतलब ये वाला जो पार्ट है हम लोगों का, ये टोटल को इंडिकेट कर रहा है कि जितने भी बच्चे हैं उनको, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, और ये ग्राफ जो हम लोग का बार ग्राफ था वो हम लोग का क्या बता रहा था, नंबर ऑफ गर्ल्स को बता रहा था, ठीक है। अब हमारा पहला सवाल में था P से Q का बॉयज का जो रेशियो है वो 15:7 है, ठीक है। तो P में अगर हम बोल दें कि ये 15x है, ठीक है, और Q में अगर हम लोग बोल दें कि ये 7x है, ठीक है। अब P और Q जब हो गया तो नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल का रेशियो हो जाएगा। अब लेट से यहाँ पे टोटल कुछ भी हो, अगर हम रेशियो निकालेंगे तो एक्स का 72 डिग्री के अकॉर्डिंग निकालेंगे और एक्स का 66 डिग्री के, यहाँ पे एक्स का 72 डिग्री, यहाँ एक्स का 66 डिग्री, एक्स एक्स कैंसिल हो जाना है, तो यहाँ पे टोटल का जो रेशियो होगा वो होगा 72/66। बस इसी चीज को समझना था और ये सवाल भी हम लोग का आसान हो गया, ठीक है। लोग बोल रहे थे कि सर ये सबसे पहला चीज जो आया था इस डीआई का रिव्यू लोगों को बनाने के बाद कि सर ये पहला नंबर सवाल को ही बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा और थोड़ा सोचने का लगा, तो इसमें सोचना नहीं है, बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू व्हाट, टोटल, और टोटल वहां पे ऊपर में तुम्हारा वन स्टेटमेंट में तुम्हारा दिए हुए, ठीक है। तो अब यहां से तुम देखो, यहां से तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। देखो इस सवाल में क्या है ना, तुम्हारा वो ढूंढो कि कोई तुम्हारा एक टर्म में जो रेशियो को इंडिकेट करा दे, ठीक है। अब तुम अगर यहाँ पे 72 डिग्री माइनस करते तो 72 डिग्री का अलग और -15x का अलग आ जाता है, इसलिए यहाँ पे तुमको बॉयज प्लस गर्ल्स बराबर में टोटल करना है, ठीक है। अब यहाँ से तुम देखो 6 से काट दो ये 12 बार में कट जाएगा, 6 से काट दो ये 11 बार में, 11 × 15 करोगे तो ये 165x देगा, और यहाँ पे करोगे तो 4, 9 और यहाँ पे 5 दे देगा, इज इक्वल टू 7 × x करोगे तो 12 × 7 कितना हो जाएगा 84x प्लस में 75 × 12, देखो 75 × 10 कितना होता है 750, 750 हो गया 2 बचा हुआ है, 75 × 2 कितना होता है 150, यानी कि 750 और 150 को जब तुम करोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा कितना 900 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो 84 जब तुम इसमें घटाओगे तो 1 और यहां से बच जाएगा तुम्हारा 81x, ठीक है, 81x हो गया। अब इधर चले जाओ, यहाँ पे तुम इसको अप्रॉक्स में 500 ले लो, 500 को जब 900 में घटाओगे तो 400, यहाँ 5 और एक्स्ट्रा था यानी कितना हो गया 405 हो गया। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5 निकल के आ गई। हमसे पूछा क्या था, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब क्या, इस पूरे पाई बार पाई चार्ट का हमें क्या बताना है, डेटा बताना है। इस पूरे पाई चार्ट को हम लोग कैसे बताते हैं, आप यहाँ पे देखो कि पी में बॉयज प्लस गर्ल्स 15 है, 15 × 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 75, और प्लस में कर दो 45 जो कि कितना हो जाएगा तुम्हारा 120 हो जाएगा, ठीक है। ये 120 जो है पी की टोटल जनसंख्या को बता रहा है, और पी का टोटल जनसंख्या इन टर्म्स ऑफ डिग्री कितना है 72 डिग्री। ध्यान रखो कि डिग्री में अगर आता है तो टोटल होता है हमारा 360 डिग्री, परसेंटेज में आता है तो टोटल होता है हमारा 100%। तो यहाँ पे ये जो तुम्हें वैल्यू दी हुई है 72 डिग्री की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 120, तुमसे 360 डिग्री का वैल्यू पूछ रखा है, तो क्या हो जाएगा 120/72 × 360, और 72 से काट दो इसे 5 बार में, 12 × 5 कितना हो जाता है तुम्हारा 600, यानी टोटल जनसंख्या जो निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई हमारी 600 निकल गई, आ गई ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अगला सवाल देखो, अगला सवाल हम लोग को क्या है,
अगले सवाल की ओर चलते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ब्रांच आर एंड एस, ठीक है, डिफरेंस दिए हुआ है ब्रांच आर और एस का, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का, आर में 90 डिग्री है, एस में 102 डिग्री है, यानी कि 12 डिग्री डिफरेंस जो है वो 12 डिग्री का है, और इस 12 डिग्री का ही वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 18 दिए हुआ है, तो हम यहां से क्या करते हैं 1 डिग्री निकाल लेते हैं। 18 बाई में 12, 6 से काट दोगे 3, 6 से 2, यानी 1 डिग्री की वैल्यू निकल के आ गई 3 बाई में 2, ठीक है। आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे जब 3 बाई 2 निकल गया तो बोल रहा है देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ब्रांच एस इज अप्रोक्सीमेटली what percent more than the total number of boys in branch R, ठीक है, branch R का कितना percent अधिक है, ठीक है, तो हमको क्या करना है कि branch S का जो है वो boys निकालना है, branch R का boys निकालना है, तो branch S का कैसे निकलेगा, देखो एक degree का value 3 by 2 है, तो 102 डिग्री का कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और S में ये तो टोटल निकल गया, अब इसमें क्या करेंगे 50 माइनस भी कर देंगे, ठीक है। R में आते हैं, R का कितना है हमारा 90 है, 90 को 3/2 से गुना कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे 60 से माइनस कर देंगे, तो 2 से काट देंगे इसको 45 बार में, 45 गुने 3 कितना हो जाएगा 135, 135 को जब हम लोग 60 में माइनस कर देंगे तो ये हमें देगा 75, ठीक है। अब यहां आ जाओ इधर, 2 से जब तुम इसे काटोगे तो 2 से ये कट जाएगा 5 और एक बार में 51 into 102 डिग्री, 51 into जब तुम 3 करोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा 153, और माइनस में जब तुम 50 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनली 103। अब तुमसे यही पूछा है कि ये कितना अधिक है, अगर यूनिट में देखें तो 28 अधिक है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 28 आउट ऑफ 75 गुने में कितना 100, 25 से 3 बार में काट दो, 25 से 4 बार में काट दो, ठीक है। अब यहां से तुम देखो, यहां से तुम क्या करोगे इस सवाल में, किसका तुम थोड़ा सा ऑप्शन देखने के लिए निकल पड़ो, ठीक है, तो ऑप्शन जब देखोगे तो तुम्हें ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है कि कोई 23 कोई 37, मतलब गैप बहुत ज्यादा है ऑप्शन में, ठीक है। अब तुम यहां से देखो 28 को या तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, नहीं तो यहां से तुम देखो 4/3 करोगे तो 1.33 आएगा, 1.33 को तुम अगर अप्रॉक्स में लेके चलो 1.25 ही, तो 1.25 मल्टीप्लाई मतलब क्या 1/4 इसका निकाल दो और ये ओरिजिनल उसमें ऐड कर दो, तो 28 का 1/4 निकालोगे तो 7, यानी कि 28 में 7 ऐड करोगे 35, उसके नजदीक में तुम, हाँ एक ही ऑप्शन दिख रहा है वो है 37.33, वही हमारा आंसर हो जाएगा, और इसको काट के भी सॉल्व कर लो, काट के भी सॉल्व करने के बाद जो तुम्हें देगा वो 37.33% होगा। ये चीजें मैंने तुम्हें इसलिए बताई ना क्योंकि एग्जाम में उस प्रेशर में जो इस चीज को हैंडल कर लेगा ना वो हार्ड से हार्ड चीज को भी हैंडल कर लेगा, और ये तुम्हारा समय भी बचा देगा। तुम काटने छाटने के दरमियान अक्सर हाँ देखा गया है कि दिमाग जो है वो फ्रीज कर जाता है, ठीक है। चलो अगले सवाल को चलते हैं, अगला देखो क्या, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। If total number of students in branch Q and R together E of the college is 312, total number of students जो है वो कितना है Q और R का 312 है, Q और R में जब हम लोग add करेंगे यहां से तो 6 और वहां से हमको मिल जाएगा 9, 6, 15, मतलब 90 प्लस में 66 जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें 152, ठीक है, सॉरी 156। अब यहां से क्या दिए हुए, इसी का वैल्यू, इस 156 डिग्री की वैल्यू दी हुई है 312, तो 1 डिग्री ईच कितना हो जाएगा 2 का, ठीक है, हर 1 डिग्री कितना हो जाएगा 2 का। अब बोल रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल 5 ब्रांचेस टुगेदर, सभी 5 ब्रांचेस में, तो इस कंडीशन में क्या हम लोग एकदम सिंपली इस चीज को निकाल सकते हैं कि पूरा टोटल स्टूडेंट कितना है 360 डिग्री, यानी 2 × 360 जो कि कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, और थोड़ा सा इसको ऐड कर लेंगे, ऐड जब करेंगे 60 50 110 और 70 180 हो जाएगा हमारा, 180 जहां से हो गया और यहां से 80 और 40 120 हो जाएगा, 180 और 20 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, यानी कि टोटल 720 में 300 जब हम लोग घटा देंगे तो 420 जो निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, बॉयज निकल के आएंगे, और यही हमारा आंसर है इस सवाल का, 420 जो निकल के आए हैं वो क्या निकल के आए हैं, बॉयज निकल के आए हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 60% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल 5 ब्रांचेस, ठीक है,
सभी फाइव ब्रांचेस में टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है वो गर्ल से 50% अधिक है, सॉरी 60% अधिक है। तो ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अभी हम लोगों ने जोड़ा था, ये टोटल जोड़ के कितना आया था, 300 आया था। तो इस 100 की वैल्यू 300 के बराबर, तो 160 की वैल्यू 3 से गुना कर दो, 480 हो जाएगा। 480 और 300 करोगे तो 700 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 80, जो कि ये पूरा चार्ट को बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद पूछ रखा है तुमसे सवाल में, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज इन ब्रांच पी एंड क्यू टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन एस एंड टी। ब्रांच पी में टोटल नंबर ऑफ बॉयज पी और क्यू का, ठीक है, तो पी और क्यू पहले 780 का तुम निकाल लो P और Q में, तो P कितना है 72 और ये कितना है 6, तो 6 × 2 = 8 हो जाएगा और 7 × 6 कितना हो जाएगा 13, यानी 138 बटे में कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। 138 बटे में 360 हमारा ये क्या चीज को बता रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को बता रहा है। इस समय जब गर्ल्स माइनस करेंगे जो कि कितना है 75 और 45 यानी कि 120 जब माइनस करेंगे तब जाके हमारा निकल के आएगा। अब यहां से माइनस कर लो, ये तुम जब सॉल्व करोगे इस चीज को सॉल्व करने के बाद 299 आएगा। 299 में जब 120 जब घटाओगे तो ये तुम्हें 179 देगा, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज जो पी और क्यू में है ये तुम्हारा निकल के आ गया बॉयज की संख्या 179। अब इसका डिफरेंस निकालना है एस और टी के गर्ल्स के साथ, 70 और 50 110 हो गया, 110 जब घटाओगे तो ये तुम्हें कितना देगा, 69 देगा। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो कितना है हमारा 120 होगा, ठीक है। 120 जब होगा तो आंसर हमारा हो जाएगा 59, ठीक है, यही हमारा इस सवाल का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हम लोगों का, देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन फाइव ब्रांचेस इज 1440, मतलब इस 360 डिग्री की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी, 1440 दे रखी है। तो एक डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साफ साफ तुम्हें दिख रहा है एक डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। एक डिग्री जब हम लोग का 4 हो गया तो हमसे सवाल में पूछ क्या रखा है, बोल रहा है इफ नंबर ऑफ बॉयज इन ब्रांच टी एंड यू आर सेम, यहाँ पे तो यू की चर्चा नहीं है तो हम लोग टी का जो लड़कों की संख्या है वो यू के बराबर है, तो टी में टोटल 30 डिग्री है, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 × 4 हो जाएगी, जो कि कितना है 120 है, ठीक है। 120 जब हम लोग को मालूम हो गया तो हम लोग बॉयज निकालेंगे जो कि टी और यू में इनकी संख्या दोनों में सेम होगी, तो वो हो जाएगा 120 माइनस में 70 यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। अब यहां से तुम देखो आगे दे रखा है नंबर ऑफ बॉयज इन ब्रांच यू इज 50, ब्रांच यू में जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 50 है, मतलब डैश दे रखा है उसमें तुम्हें 50 बढ़ना है क्योंकि ये तुम्हें ऑलरेडी निकल गया। अब यहाँ के बाद देखो कितने ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ से निकल जाते हैं। जब सबसे पहले तुम देखोगे ए बी सी डी जो दिए हुए है, ए में 50 है, बी में 60 है, सी में 50 है, डी में 50 है, यानी बी वाला जितना भी जगह ऑप्शन होगा वो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। कौन कौन सा जगह है, ए है, डी है और ई है, मतलब हम लोग को जो वर्क करना है वो वर्क करना है सी एंड डी पे या ओनली ए पे, ठीक है, कि सी एंड डी होगा कि ओनली ए होगा, इसी चीज पे वर्क करना है और ये वर्किंग भी आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ब्रांच यू इज लेस देन दैट इन ब्रांच टी, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है यू में टी से कम है, मतलब इस 70 से क्या है, कम है, ठीक है, 70 से जब कम है हमारा एंड इज मल्टीपल ऑफ 5 और 5 के भी मल्टीपल है, बट मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब देखो यहां से नंबर ऑफ गर्ल्स जो यू में है वो टी से कम है, लेकिन ये यू की संख्या बॉयज की संख्या से क्या है, ज्यादा है और 5 का मल्टीपल है, मतलब कौन कौन सा हो सकता है, पॉसिबली 55 हो सकता है, 60 हो सकता है और क्या हो सकता है, 65 हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। अब क्या बोल रखा है सवाल में, बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ द ब्रांचेस इन ब्रांच यू इज कितना है डैश, ठीक है, तो यहां से तुम क्या करो 50 और 55 ऐड करोगे तो ये 105 देगा, 50 ऐड करोगे तो 110 देगा और यहां से 5, 6, 5, 11 ऐड करोगे तो 115 देगा। ऑप्शन नंबर सी में तुम देखोगे तो 105 तुम्हें मिल जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में देखोगे तो 105 तुम्हें मिल जाएगा
ऑप्शन ए में 120 मिल रहा है जो कि हो नहीं सकता है, ऑप्शन डी में जब तुम आओगे तो ऑप्शन डी में भी तुम्हें 115 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, एक ऑप्शन नंबर सी एंड डी वाला, जो कि ऑप्शन बी में हम लोग को मिल रहा है कि सी और डी हमारा सही हो रखा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये DI भी आप लोगों को समझ में आया होगा। DI में भी इस टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स आने के चांसेस हैं, लेकिन अगर DI में आते हैं वो तो DI में बहुत ही आसान आते हैं वो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस चीज़ से घबराना नहीं है और आसानी से चीज़ों को समझ के बनाना है, ठीक है। आज का जो हम लोग का पाई चार्ट है वो पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन है दो टाउन के बीच में, ठीक है। और जैसा तुम लोगों को अभी फिगर दिख रहा है, ये फिगर मैं अभी गायब कर दूंगा तो नॉर्मल हम लोग का बोर्ड वाला फिगर आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे तुम देखो कि जब भी तुम लोगों का इस तरीके का कार्यक्रम हो तो उसमें भी एक एक सवाल के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है अलग अलग डेटा पे दिए हुए हैं, ठीक है। अलग अलग डेटा का मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ, जैसे मैं स्टेटमेंट पढ़ दूँ, फॉलोइंग ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स, ये जो ग्राफ शो कर रहा है डिफरेंट स्पोर्ट्स पसंद करने वाले लोगों को शो कर रहा है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल लाइक स्पोर्ट्स फ्रॉम टू टाउन, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं उसमें से कुछ दो टाउन के, उसमें से ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है हम लोगों का, ठीक है। फिर नीचे क्या दिए हुए, 20% ऑफ पीपल फ्रॉम टाउन वन लाइक नो स्पोर्ट, 20% टाउन वन से कोई स्पोर्ट लाइक नहीं करते हैं, मतलब ये कहानी जो है ये कितने परसेंट की कहानी है, ये 80% की है। और 40% बोला कि टू से कुछ नहीं लाइक करता है, तो ये कहानी जो है ये है सिर्फ 60% की, ठीक है। इसी बेसिस पे हम लोग को जितना भी सवाल मिलेगा उस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या बोल रखा है हम लोगों का, पहला बोल रहा है इफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन वन एंड टाउन टू आर इक्वल, तो अगर हम लोग टोटल पॉपुलेशन टाउन वन का और टाउन टू का 100 मान लेते हैं तो जो गेम पसंद करेंगे उनकी संख्या क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी, और यहाँ से क्या हो जाएगी 60, क्योंकि 60% और 80% गेम पसंद करने वाला का है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल फ्रॉम टाउन वन एंड टाउन टू टुगेदर लाइक क्रिकेट, टाउन वन और टाउन टू का कितना परसेंट लोग जो है क्रिकेट लाइक करता है, ये हमसे पूछ रखा है, ठीक है। तो टाउन वन का देखो 80 है, 80 का 40% जब निकालोगे तुम तो ये तुम्हें देगा 32, ठीक है। और 60 का जब तुम 36% निकालोगे तो ये 36 × 6 होता है तुम्हारा 216, और पॉइंट में कर दो इसे, ठीक है, ऐड कर दो, ऐड करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा 6213 और 325, और यहाँ पे डेसिमल लगा दो, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है कि यही जो है टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, तो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है मतलब क्या, टोटल पॉपुलेशन 100 + 100 = 200 हो जाएगा, गुने में क्या कर दो 100 कर दो, 00 यहाँ से काट दो और 2 से इसे काट दो, 2 बार में, 6 बार में और 8 बार में, और यहाँ डॉट लगा दो, यानी कि कितना परसेंट हो गया, 26.8% हो गया, और यही हमारे सवाल का आंसर है, ठीक है। तो अगला सवाल देखो, अगला क्या है, अगला देखो क्या बोल रहा है, इफ पॉपुलेशन ऑफ टाउन टू इज 20% लेस देन द टाउन वन, ठीक है, टाउन टू का जो पॉपुलेशन है वो टाउन वन का 20% कम है, तो ये 100 होगा तो ये 20% कम यानी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल फ्रॉम टाउन वन, तो टाउन वन में जो फुटबॉल लाइक करते होंगे वो 80 × 12 होंगे, ठीक है। और फिर आगे क्या बोल रखा है तुम्हारा सवाल में, टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल फ्रॉम टाउन टू, टाउन टू से जो फुटबॉल लाइक करते हैं तो 60 का ही हम लोग को लाइक कराना है, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज़ समझो पहले कि टाउन वन, यहाँ पे एक मिस्टेक क्या हो गया, टाउन वन में हमारा 100 था, ठीक है, तो 100 का 80% का डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए, 80% का हम लोग को क्या निकालना है, 12% निकालना है, ठीक है। फिर यहाँ जा टाउन टू का 80 है टोटल पॉपुलेशन, 80 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, 60% निकालेंगे, 80 का 60% साफ साफ तुम्हें दिख रहा होगा, 8 × 6 = 48 होता है, यानी 80 का 60% 48 हो जाएगा, और गुने में इसका 15% हम लोग निकालेंगे जो कि फुटबॉल लाइक करता है, ठीक है। तो ये परसेंट खत्म हो जाएगा हमारा, 8 से काट देंगे 6 बार में, 8 से 10 बार में, 5 × 2 = 5 से 3 बार में, 6 से हमारा कट जाएगा 2 बार में, यानी कितना निकल के आ जाएगा, 4/3 निकल के आ जाएगा, और यही हमारे सवाल का आंसर है, 4/3, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रखा है, इफ पॉपुलेशन ऑफ टाउन टू इज 60% मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वन, ठीक है, टाउन टू का जो पॉपुलेशन है वो टाउन वन से 60% अधिक है, तो ये 100 तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 160 हो जाएगा।
जब ये 100-160 हो गया तो बोल रहा है देन टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक चेस फ्रॉम टाउन वन, ठीक है, टाउन वन से जो चेस लाइक करते हैं, तो टाउन वन का टोटल 100 है, ठीक है, 100 का जब 80% निकालोगे तो 80 हो जाएगा और उसमें से चेस लाइक करने वाले कितने हो जाएंगे, 15% हो जाएंगे, ठीक है। इज क्या बोल रहा है, चेस फ्रॉम टाउन वन इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक चेस फ्रॉम टाउन टू, टाउन टू से जो चेस लाइक करते हैं, तो 160 का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 60% निकालेंगे, क्योंकि टाउन टू में तो ये टोटल पॉपुलेशन है और गेमिंग जो लाइक करते हैं वो सिर्फ 60% लाइक करते हैं। अब उसके बाद चेस पे आएंगे तो चेस हो गया हमारा 10 और इसी का कितना परसेंट है हमें यही निकालना है, ठीक है। तो हमने बोल दिया इसी का कितना परसेंट है, ए परसेंट है। जब हम लोग बोल दिए यहाँ पे तो 100 यहाँ से ख़त्म कर दो, 15 से काट दो इसे 4 बार में, ठीक है, और यहाँ से भी कुछ काट दो, यहाँ 0 0 काट दो, 00 यहाँ से भी कट जाएगा, 16 से काट दो इसे 5 बार में, ठीक है। ए की वैल्यू जो आ जाएगी 4 से इसे काट दो 25 बार में, ए की वैल्यू 25 × 5 कितनी हो जाएगी, 125% हो जाएगी और यही हमारे सवाल का आंसर है, 125% ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल में क्या है, नेक्स्ट में बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ पीपल लाइक हॉकी फ्रॉम टाउन वन इज 1840, नंबर ऑफ पीपल टाउन वन से जो लाइक करते हैं हॉकी को वो है 1840, ठीक है, तो 1840 अब यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है, तो यहाँ पे तुम देखो हॉकी दिए हुआ है तुम्हारा कितना 23%, इसी की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी 1840 दे रखी है, ठीक है। तो जब तुम 1% की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि वो 8 से कटेगा, 8 से काटोगे तो ये 80 दे देगा तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। 80 जब दे दिया तुम्हारा तो तुम अगर यहाँ से 100% निकालते हो तो 100% जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 8000। मतलब ये 8000 इस ग्राफ को डिपेंड कर रहा है, मतलब ये जो गेम खेलने वाले हैं उनका ये 100% निकला है, ठीक है। अब अगर हम लोग टोटल पॉपुलेशन को निकालना चाहें तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ से 80% की वैल्यू 8000 है हमारी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारा 8000 बटे में 80 × 100, तो ये काट दोगे तुम यहाँ से 100 बार में और यही तुम्हें दे देगा 10000, ठीक है। तो हमारी जनसंख्या कितनी निकल के आ गई, 10000। अब इसी चीज़ को तुम यहाँ पे ध्यान दो कि तुमने जो ये कार्यक्रम किया यहाँ पे, तुम इस चीज़ को यहाँ पे भी कर सकते थे कि अगर तुम्हारा 1% का मान यहाँ पे दिए हुए है तो तुम डायरेक्ट यहाँ से क्या निकाल दो, 80% निकाल दो और उसी को फिर सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारा 10000 निकल के आ जाएगा। लेकिन उसके दरमियान में तुम्हारा क्या होगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। यहाँ तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जब 100% 8000 निकल गया तो ये तुम्हें मालूम हो गया ये 80% की वैल्यू, 80% 8000 है तो 100% कितना होगा हमारा, 10000 होगा। ये तो कॉमन से हम लोग निकल सकते हैं दिमाग में ही सॉल्व करके, तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। आखिरी सवाल देखो, आखिरी क्या हम लोगों का, बहुत ही आसान डीआई चल रहा था हम लोगों का, ठीक है। आखिरी देखो, आखिरी क्या बोल रहा है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल एंड कबड्डी फ्रॉम टाउन टू, ठीक है, डिफरेंस दिए हुए है नंबर ऑफ फुटबॉल का और कबड्डी का जो टाउन टू से लाइक करते हैं वो 270 दिए हुए, ठीक है। तो फुटबॉल और कबड्डी में देखो 12 और फुटबॉल 15 और कबड्डी 12, तो इन दोनों का अंतर कितने का है, 3% का है। तो 3% का वैल्यू तुम्हें दिए हुआ है कितना, 270 दिए हुआ है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 90, ठीक है। 1% 90 निकल गया, तो बोल रहा है हाउ मेनी पीपल फ्रॉम टाउन टू लाइक हॉकी, टाउन टू से कितने लोग हॉकी लाइक करते हैं, तो 27% का वैल्यू निकालना है, 27% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 × 90, यहाँ से सॉल्व कर लो, 09 से 27 × 9 तुम्हारा हो जाएगा 2430, ठीक है, 97 जा, इसी तरीके से तुम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये जो आंसर है ये आ गया हमारा 5वें नंबर सवाल का आंसर। इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। बहुत ही आसान सा सवाल था पीटी के लिए, मेंस के लिए उतना इम्पॉर्टेंट हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये सवाल बहुत ही नॉमिनल था, ठीक है, ग्राफ का बस ये वाला पार्ट समझना था। तो मेंस में अगर 10 सवाल भारी दे रहा है तो उसके बाद हो सकता है कि 5 सवाल आसान दे, तो इस टाइप के सवाल आने के चांसेस है। बाकी जहाँ पे भी आए उस चीज़ को यूज़ करो, बनाना है बहुत सारे सवाल को, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। थैंक यू।